आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, लास्ट क्लास में तो हम लोग रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देख चुके हैं। आपको एडवाइस किया गया था उसको तैयार करने के लिए, तेजी से तैयार कीजिए, करना ही पड़ेगा आपको। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए पहले इसका इंपॉर्टेंस हम आपको बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप कहेंगे क्या सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम लोग क्लास 9 में सुने थे। हाँ सुने होंगे, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये हम आपको बता दें। तो लीजिए टॉपिक का नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा गया। आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आगे का जब हम लोग अल्काइल हैलाइड जिसका दूसरा नाम हेलो एल्केन होता है, वो जब स्टार्ट करेंगे तो समझिए 80% फिनिश हो गया। इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानने के बाद, समझिए अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन आपका 80% आपके हैंड में रहेगा, आपके कब्जे में रहेगा। सोचिए कितना कमाल का ये चीज है, इसलिए इसे तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें क्या क्या टॉपिक होता है वो बता दें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप होता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे, और इस न्यूक्लियोफिलिक का भी टाइप होता है, यानी टाइप का टाइप, और वो है SN1 SN2। इसका पूरा मैकेनिज्म हम आराम से धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको बता देते हैं, आप सीखिए। और उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में क्या देगा, या तो SN1 SN2 के बारे में आपसे पूछेगा, या नहीं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज आप घर में SN1 SN2 अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और उसके बाद जब अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको बताने वाले। हम क्या बताएंगे आप खुद ही फिर बता पाइएगा, आपको केवल हम हिंट्स देंगे और उसके बाद देखिएगा कितना आराम से आप बता पाते हैं। तो इसे सीखना बहुत जरूरी, एक बार कोशिश करके तो देखिए। अब व्यूज हम देखते हैं कम है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि आपने वीडियो ओपन तक नहीं किया। अरे ओपन करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, सीखेंगे, तब वहां क्वेश्चन आता है कि हमको आया कि नहीं आया, और आप देखे नहीं कीजिएगा तो फिर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो लगिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे का जो चैप्टर आपके पास आने वाला है अल्काइल हैलाइड, वो कंट्रोल करने का एक लौता तरीका, 80% आपका कदम हो जाए। तो ध्यान से इसको तैयार करते हैं आज हम लोग। तो लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बचपन में सुने थे वो हम आपको बताते हैं। लीजिए यहां पर देखिए, दिया गया CH3Cl प्लस OH, ऐसे देखिए OH माइनस दिया गया। अब देखिए क्या होता है, यहां से Cl हटा और OH माइनस हटा, Cl हटा OH माइनस हटा, तो ऐसे नीचे लिख दिया गया CH3 बॉन्ड OH प्लस Cl माइनस। तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि मॉलिक्यूल से एटम हट चुका है दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा। यहां पर एटम हट सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हट सकता है, हटाने वाला कोई सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। भाई एक से ज्यादा एटम रहेगा तो उसको ग्रुप ऑफ एटम ही कहते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम हटा दिया जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा, बस ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा बचपन में सुन चुके हैं, कोई नया बात तो हम आपको नहीं बता रहे, तो फिर से सुनिए। एक केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिमूव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, then such type of reaction is known as substitution reaction. तब ऐसे reaction को ही आप substitution reaction बोलेंगे, इसी को substitution reaction कहा जाता है। आप ये ठीक है, बचपन वाला बात एक बार दोबारा बता दिए। अब यहां पर देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये कैसे हटा, ये कैसे सटा, कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे नया बॉन्ड बना, ये भी तो बताइए। बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। और जब इन बातों का सूचना दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसी को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वही कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो फिलहाल
आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन बता दिया गया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप होता है, लीजिए इसका टाइप, फर्स्ट टाइप आपको आज हम बताने वाले हैं, आगे चलकर इसके बाकी टाइप को भी बताएंगे। तो लीजिए पहला जो टाइप आपके सामने आ रहा है वो है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रहा इसका फर्स्ट टाइम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस शब्दों को थोड़ा गौर कीजिए, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक दिया गया, इसका मतलब है यहां न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात होगा। फिर यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया, इसका मतलब है कोई मॉलिक्यूल से हटेगा, उसके जगह पर कोई दूसरा सटेगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम यहां लिखा गया। और वास्तव में ऐसा ही होता भी है। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कमजोर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटा दिया जाता है, बस वैसे रिएक्शन को ही आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। उसी को जस्ट हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से पुकारते हैं। तो लीजिए यहां पर गौर कीजिए, दिया गया CH3 CN, बगल में प्लस OH माइनस। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका CN और ये कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है मालूम आपको, CN होता है, यानी CN के पास फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का क्षमता ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब तो यही होता है। और जब CN दोनों फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर टालेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। लीजिए और अब देखिए क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल को यहां से हटा देगा, ये स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल। अब जो सुन रहे हैं बच्चे वो कहेंगे कि अरे ये स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया, वीकर कैसे हो गया, ये तो हमको पता नहीं चला। याद कीजिए हम आपको बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है, उसमें इन बातों का बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है पार्ट 2 में। तो जिनको कंफ्यूजन है एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे, बेहतर आपको जवाब वहां मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हमने आपको जानकारी दिया कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करता है, इसको हटा देता है और खुद यहां आ जाता है। तो लीजिए बन चुका CH3 OH + Cl-, ऐसा बन चुका। और जब ऐसा बन गया तो बस इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इन विच वीकर न्यूक्लियोफाइल इज रिमूव्ड बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम लोग जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका टाइप है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और अब इस टाइप का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, इस टाइप का टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दो टाइप होता है, SN1 और SN2। अब हम लोग SN1 के बारे में सीखेंगे कि आखिर SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। समझ SN1 और SN2 क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लीजिए यहां लिख दिया गया पहला टाइप SN1 दिया गया इस तरह से SN1 दिया गया। अब जानिए इन शब्दों का मतलब क्या होता है, इन शब्दों का मतलब क्या होगा। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है और वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर होता है। सोचिए एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन मालूम है आपको, कुछ पूछने लायक बात है नहीं। एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मालूम आपको, और वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, आप कहेंगे इसका मतलब तो मालूम नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, बेसिकली इसके बारे में बहुत जमकर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स।
वहां जमकर आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम काम चलाने भर आपको जानकारी देते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में ओनली वन मॉलिक्यूल भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसी को हम लोग यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, वही कहलाता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। और वहां मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वन होता है, वन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जस्ट वन होगा। फिर से बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल भाग लेगा, सिंगल मॉलिक्यूल जब भाग लेगा, तो ऐसे रिएक्शन को यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। और यहां मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, वन। इसी हालत में मॉलिक्यूलरिटी वन होता है, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो ये था वन का मतलब। तो लीजिए अब लिख भी देते हैं हम, एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया, एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल, लीजिए ऐसा लिख दिया गया न्यूक्लियोफाइल, और वन का मतलब लिख दिया गया यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हम आपको बता चुके हैं केमिकल रिएक्शन में, जब एक मॉलिक्यूल भाग लेता है तो उसी को यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, और ऐसे हालत में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वन होता है। चलिए इन शब्दों का तो मतलब आपको बता दिए। आखिर ऐसे वन रिएक्शन कौन दिखाता है? ये मुख्य रूप से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिखाता है। ये जो विशेषता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का ही विशेषता होता है, बड़े पैमाने पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा ही दिखाया जाता है। जैसे चलिए अभी आपको दिखा दें एग्जाम्पल में लीजिए, यहां दिया गया इस तरह से, ऐसे ऐसे सीएल दिया गया, यहां सीएस थ्री। भाई इस कार्बन के साथ कितना कार्बन सटा हुआ है देख के बोलिए, एक दो तीन, तीन कार्बन सटा हुआ है। और जब इसके साथ तीन कार्बन सटा हुआ है तो फिर इसी कार्बन को 3D कार्बन कहते हैं, या टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं। और इस तरह इसका नाम अगर सीएल को छोड़कर इतना को दबा देंगे तो क्या नजर आएगा, C4H9। कंप्रेस कर देंगे तो क्या नजर आएगा, C4H9, जिसको क्या कहा जाता है, ब्यूटाइल। और सीएल को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। चूंकि इसमें टर्शियरी कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है, इसीलिए इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टट ब्यूटाइल क्लोराइड। लीजिए लिख दिया गया टट ब्यूटाइल क्लोराइड दिया गया, इसका नाम है टट ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन अब एक्वस KOH के साथ करवाते हैं। लीजिए दिया गया एक्वस KOH के साथ हम लोग करवाते हैं, तो फिर क्या होगा, देखिए यहां पर CH3 ऐसे, यहां से Cl हट जाएगा और यहां OH आ जाएगा। लीजिए लिख दिया गया CH3, यहां OH दिया गया और प्लस KCl, लीजिए ऐसे बन गया। इसका नाम है टट ब्यूटाइल एल्कोहल, इसी को हम लोग टट ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये सटा कैसे, इसका जवाब दीजिए। ये हटा कैसे सटा कैसे, इसका जब हम लोग जवाब देते हैं इसी को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अब यहां जो रिएक्शन हो रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये अब आप जानेंगे। तो लीजिए अब यहां पर आपको इसका मैकेनिज्म हम दिखाते हैं। यहां लिखा गया मैकेनिज्म, देखिए होता क्या है, एक्वस KOH को जब आप पानी में डालते हैं, मतलब KOH को जब आप पानी में डालते हैं, जैसे पानी में डालेंगे कि ये इस तरह से K+ और OH- में टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। और अब ध्यान दीजिए ये रहा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आपने इसको भी पानी में डाल दिया है KOH के साथ, इसको भी तो पानी में डाल दिया, तो अब देखिए क्या होने वाला है। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये इस तरह से आयनाइज कर जाएगा, ऐसे आयनों में टूटेगा। यहां पर Cl- डेल्टा, कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा, मालूम आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऐसा होगा, तो यहां पर माइनस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा। और जैसे ये पानी में जाएगा, ये पोलर है, पानी भी पोलर, ये आयनों में टूट जाएगा। 11th क्लास में आपने सुना
जब इधर बॉन्ड छट कर गए आयनों का बॉन्ड टूट जाता है पानी में मिलाने पर आयनों में, तो फिर ये पोलर का बॉन्ड है आयनिक का बॉन्ड है, जैसे पानी में जाएगा आयनों में टूट जाएगा और जब टूट जाएगा तो इस तरह से तैयार हो जाएगा। लीजिए CH3 दिया गया, यहां पर प्लस देंगे और यहां माइनस, इस तरह से आयनों में टूट गया। अब क्या होगा ध्यान से सुनिए, लीजिए अब दूसरे स्टेट में क्या होता है ये जानिए। यहां पर ये आपका कार्बोकेटाइन है, याद आ रहा होगा आपको कार्बोकेटाइन, इसे हम लोग कार्बोकेटाइन कहने वाले हैं, पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ये कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन कैसा कार्बोकेटाइन, 3D कार्बोकेटाइन भाई, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं और ये 3D कार्बन है इसलिए इसको 3D कार्बोकेटाइन कहेंगे। और लीजिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 दिया गया, ऐसे हम लोग देते हैं CH3, ये जो कार्बोकेटाइन बना वो यहां पर नोट किया गया, यहां पर प्लस है और ये जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ H माइनस वो यहां पर देखिए क्या होगा, ये अब आएगा यहां पर अटैक करने के लिए। H माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल और ये पॉसिबल चार्ज क्या है इलेक्ट्रोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर आएगा अटैक करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए आएगा और जब बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो मालूम लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं, जस्ट लास्ट क्लास में रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाले टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं कि जब भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है। इसी दिन के लिए देखिए आपको बताया गया था, ये आगे चलकर भी बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो सिंगल बॉन्ड बना और लीजिए चार्ज हट चुका, यहां पर देंगे CH3 नाम है इसका टेट ब्यूटाइल एल्कोहल, लीजिए टेट ब्यूटाइल एल्कोहल हो चुका। तो बताइए ये रिएक्शन कितने स्टेप में बना, ये जो टेट ब्यूटाइल एल्कोहल का जो फॉर्मेशन था वो कितने स्टेप में पूरा हुआ, दो स्टेप में पूरा हो रहा है। याद रहे यहां पर आयन कंबाइन करता है और आपको बता दें कि जिस रिएक्शन में आयन पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्शन वेरी फास्टली होता है, बहुत तेजी से होता है, इसे एज ए रूल आप याद रखेंगे, जैसे 2+2 हमेशा 4 ही होता है उसी तरह का ये आयनिक का बात, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आयन पार्टिसिपेट करेगा तो वो वेरी फास्टली कंप्लीट होता है, बहुत तेजी से संपन्न होता है, तो ये वेरी फास्ट कंप्लीट होगा। लीजिए यहां लिख दिया गया फास्ट, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये स्लो होगा, आप बोलेंगे क्यों, क्या कोई दो फास्ट नहीं हो सकता भाई, जब किसी क्लास में एग्जाम होता है सपोज कीजिए 60 स्टूडेंट है तो आप जानते हैं वहां पर एक फर्स्ट करता है दूसरा सेकेंड करता है, रेयर केस में एक ही क्लास में दो बच्चा फर्स्ट करता है रेयर केस में, यहां पर तो रेयर केस भी नहीं होता, अगर ये फास्ट है तो इसको स्लो होना ही पड़ेगा, इसलिए बिना दिमाग लगाए आप कह सकते हैं कि ये स्लो स्टेप होगा। लीजिए स्लो लिख दिया गया, आप कहेंगे सर थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं कैसे स्लो है थोड़ा ये भी बता दीजिए, आसान है भाई, यहां पर आयनाइजेशन हो रहा है और जब आयनाइजेशन हो रहा है तो ये स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आयन आयन चिपकता है तो भाई वो वेरी फास्ट होता है, तो फास्ट जब हो गया तो ऑब्वियस है क्लियर है आयनाइजेशन वाला जो रिएक्शन है वो स्लो हो ही जाएगा और इस तरह ये स्लो स्टेप होता है। आगे और भी बात हम बता दें आपको, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, आप कहेंगे कि टीचर आपके पास रिएक्शन तो दो दो है तो आप जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो किसके आधार पर लिखेंगे, किसके आधार पर बताएंगे, स्लो स्टेप के आधार पर या फास्ट स्टेप के आधार पर। देखिए ये रूल है कि जब भी हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो स्लो स्टेप के आधार पर किया जाता है, इसे एज ए रूल नियम की तरह आप याद रखने वाले हैं इस बात को, भाई जो नियम है वो तो याद ही रखा जाता है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का तो कोई जगह रहता नहीं,
तो आपका स्लो स्टेट ये है, और जब स्लो स्टेट ये है तो लीजिए रेट एक्सप्रेशन लिखा गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लीजिए लिख दिया गया रेट इक्वल टू के इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टट ब्यूटाइल क्लोराइड, लीजिए टट ब्यूटाइल क्लोराइड यहां लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया। इस सिंबल को मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट भी देंगे, तो रेट इक्वल टू हो चुका के मोलर कॉन्सेंट्रेशन टट ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा लिख दिया गया रेट एक्सप्रेशन। और अब बोलिए स्लो स्टेट में, देख करके बोलिए, दिमाग लगाना मना है, देख करके बोलिए स्लो स्टेट में कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, जस्ट वन जो दिखा वो कहना है। तो बस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लीजिए लिख दिया गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जस्ट वन हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए, रेट एक्सप्रेशन ऐसा है, और जब रेट एक्सप्रेशन ऐसा है तो यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर कितना होगा बोलिए, वन, और जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो लीजिए यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वन, जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर वन होता है जो दिख रहा है आपको, तो बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन, जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको सिंपली हम लोग ऑर्डर कहते हैं वन हो चुका। ये था एसएन वन का मैकेनिज्म, कैसे यह रिएक्शन पूरा हुआ इसका जवाब आपको दिया गया। अब हम लोग सीखेंगे एसएन टू सीखेंगे, और उसका मैकेनिज्म क्या है यह भी जानेंगे, उसके बाद डिफरेंस भी देखेंगे। तो आपने एसएन वन के बारे में सुना कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है वो मेनली बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से एसएन वन मैकेनिज्म देता है। आपको जानकारी दे दें, एसएन वन मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छी तरह से होता है, आसानी से होता है पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल के प्रेजेंस में। मालूम आपको वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, एल्कोहल जो है आपका वो भी पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ऐसे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एसएन वन रिएक्शन आराम से होता है, इजीली होता है, वो फेवर करता है। क्यों है ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो पोलर सॉल्वेंट है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, इसके साथ अटैच होने के बाद वो इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण आसानी से आपका एसएन वन रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है। ये था पोलर सॉल्वेंट के यूज किए जाने का कारण, क्या है फंक्शनिंग पोलर सॉल्वेंट का वो आपको बताया गया। अब आप जानेंगे एसएन टू के बारे में, लीजिए लिखा गया दूसरा टाइप एसएन टू, एसएन टू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर से हम लोग कुछ पुराना बात नहीं करने वाले हैं, देखिए एसएन टू में कुछ पुराना बात, एस का मतलब क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, टू का मतलब क्या होगा बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर भाई, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल आपको मालूम, और टू का मतलब क्या होता है बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी टू, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी टू का मतलब क्या होगा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, दो मॉलिक्यूल भाग लेता है, बस उसी को हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे हालत में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जस्ट टू हो जाता है। तो इसका एस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो चुका, लीजिए लिख दिया गया, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया, पुराना ही बात, लीजिए न्यूक्लियोफाइल लिख दिया गया, और टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर लिख दिया गया, बाई मॉलिक्यूलर लिख दिया गया, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू टू, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू टू हो गया, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या देंगे टू। ये था, ये तो इसका मीनिंग था। और अब जानिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जिसमें 1 डिग्री कार्बन होता है, उनके द्वारा मुख्य रूप से मेनली उन्हीं के द्वारा एसएन टू रिएक्शन
दिखाया जाता है। इस बात को अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जब हम बनाएंगे उस समय अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको वैसे सारे क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपिटेटिव टेस्ट में पूछा जाता है आपसे बनेगा, उम्मीद भी मत कीजिएगा। तो जो एडवाइस कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और क्या है, दिन भर तो बैठे रहते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं, कितना टीवी देखिएगा, थोड़ा सा ये सब भी देख लिया जाए। तो लीजिए, एस इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियर बाई होता है, टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी बराबर टू हो गया। प्राइमरी एल्काइल एलाइड मुख्य रूप से ये रिएक्शन देता है। चलिए एग्जाम्पल आप दिखाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, CH3 बॉन्ड Cl प्लस एक्वस KOH के साथ ही हम लोग रिएक्शन दिखाने वाले हैं। तो लीजिए बन गया CH3 बॉन्ड OH प्लस KCl, ऐसे ले गया लीजिए। ये है एसिड रिएक्शन। आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कीजिए, पूरा खोल खोल के बताइए, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए आपको इसका फुल इंफॉर्मेशन दे दें। यहां लिखा गया मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऐसे लिख दिया गया। लीजिए पानी में जब KOH को डालते हैं तो ये इस तरह से पहले K+ और OH- में टूट जाता है, ऐसा टूट जाएगा। अब देखिए बड़े पैमाने में क्या होने वाला है, लार्ज स्केल में क्या होगा। अब इस पर थोड़ा बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लार्ज स्केल में जो होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए क्या होगा, दिया गया CH3 बॉन्ड Cl, यहां माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा होगा क्योंकि ये बॉन्ड Cl और कार्बन के बीच बना हुआ है और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो चुका। और अब देखिए क्या होता है, ये रहा आपका न्यूक्लियर फाइल OH-, ये OH- पीछे से आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, यहां पर पीछे से आएगा कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको हम लोग बैक अटैक कहते हैं, ये केमिस्ट्री का भाषा है, पीछे से आक्रमण बैक अटैक। ये OH- कार्बन के ऊपर पीछे से आएगा अटैक करने के लिए, लीजिए लिख दिया गया बैक अटैक। आप कहेंगे आगे से आ जाएगा तो क्या होगा, आगे से क्या नहीं आता, आगे से आएगा तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज ये भी नेगेटिव चार्ज भर देगा उसको, रिवर्सिव फोर्स काम करेगा, इसलिए ये पीछे से आएगा घूमते हुए। और जब पीछे से आएगा तो ये यहां पर आते जाएगा और ये हटते जाएगा हटते जाएगा, सोच ये आते जाएगा यहां पर और ये हटते जाएगा। लीजिए ऐसे लिखते हैं, यहां पर ऐसे दिया गया OH- डॉट 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 CH3 प्लस डेल्टा डॉट 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 Cl- डेल्टा, ऐसे देखिए लिख दिया गया, ये इधर आते जा रहा है आगे जा रहा है, ये इधर हटते जा रहा है हटते जा रहा है, ये अभी ना तो सटा है और ना ये हटा है, सट रहा है सट रहा है, वो हट रहा है हट रहा है, सटा और हटा ऐसा नहीं हुआ, अभी जस्ट ये सटने के प्रोसेस में है, यानी यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हटने के प्रोसेस में है, यानी यहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, हो गया है ऐसा आप नहीं कह सकते। और जब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली यहां हो रहा है तो बस ऐसे स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, इसी को जस्ट हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से पुकारेंगे, यही कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। और अब यहां क्या होगा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर बॉन्ड बनेगा और टूटेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जस्ट साइमल्टेनियसली होने वाला है, ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड टूट जाएगा और उसके बाद आधा घंटा के बाद बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं होगा, ये सटा और ये हटा। लीजिए इस तरह से दिया गया CH3 बॉन्ड OH और प्लस Cl-, मालूम आपको जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन भाग जाएगा, Cl, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर भाग गया तो Cl में कितना घुसा, दो, फाइनल कितना का हुआ, एक का, क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन था, एक Cl का एक कार्बन का, जब दोनों लेके भागा तो एक अपना एक पर आया, फाइनल कितना का हुआ, एक का, इसलिए इसके ऊपर दिया गया माइनस, और कार्बन को कितना का नुकसान हुआ, एक का, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस। मालूम आपको प्लस और माइनस जब सटता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज हट जाता है, और इस तरह रिएक्शन पूरा हो चुका।
ये था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली होने का मतलब। तो अब आपसे कोई पूछेगा ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, जस्ट एक स्टेप में, सिर्फ इसी स्टेप में। हाँ ऐसा होता कि पहले बॉन्ड टूटा उसके बाद बांधा जैसे SN1 में हुआ था तो फिर आप कहते दो स्टेप, लेकिन यहां तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ये रिएक्शन जस्ट वन स्टेप में कंप्लीट हुआ। और जब एक स्टेप में कंप्लीट हुआ तो लीजिए लिख दिया गया रेट, रेट एक्सप्रेशन हम लोग इसी के आधार पर लिखेंगे। दिया गया कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन CH3Cl दिया गया इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। भाई यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऐसा लिख दिया गया। तो फिर मॉलिक्युलरिटी, चलिए अब आपको बताते हैं यहां मॉलिक्युलरिटी क्या होगा। मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या, आपको दिखा मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है रिएक्शन में, दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और क्या लीजिए टू दे दिया गया टू, और यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम लोग लिखते हैं। ये आपका रेट एक्सप्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म ये है, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म, इनके ऊपर जो पावर होता है उनके जोड़ को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इसके ऊपर पावर कितना है 1 और इसके ऊपर कितना है 1, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2। तो लीजिए दिया गया 1+1=2, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 हो चुका, ऑर्डर इक्वल टू भी 2 हो चुका, और इस तरह SN2 फिनिश हो चुका, खत्म हो गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आंख अगर आपका खुल गया तो 2-4 बात आप पूछने के पोजिशन में आ जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन डाउट आएगा, क्या आ रहा है चलिए हमी को बता देते हैं, हम आपको बता सकते हैं, लास्ट 29 ईयर से पढ़ा रहे हैं तो हमको मालूम है कि इतना देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या बात आ सकता है। चलिए मुझे भी बोलने दीजिए, आप कष्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। यहां पर आपने सुना कि ये टूट जाता है इस तरह से और उसके बाद ये इसके साथ चिपक जाता है, आप कहेंगे कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये भी CH3+ और Cl- में टूट जाएगा और उसके बाद CH3+ के साथ OH- चिपक जाएगा, यानी SN1 हो गया, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस तरीके से रिएक्शन काहे नहीं दिखाएगा, ये आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन दिखाएगा। चलिए इसका कारण आपको बताते हैं, देखिए होता क्या है, यहां पर OH- बहुत आसानी से यहां पहुंच जाएगा, बहुत आसानी से, एकदम मैदान साफ है, किसी तरह का कोई भीड़ नहीं, किसी तरह का कोई क्राउड यहां पर नहीं है, केवल CH3। क्या कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप यहां पर है, नहीं है। यहां पर आप कहेंगे क्राउड हिंड्रेंस, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, भीड़ बाधा नहीं है, जिसका दूसरा नाम है स्टीयरिक हिंड्रेंस, नहीं है। उसके बाद ये क्या होगा, बहुत तेजी से आएगा और यहां पर अटैक करेगा और इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, सोचिए इस तरह का हो जाएगा। आप बोलेंगे कि जब आप इसको भी पानी में डालते हैं तो ये टूटता क्या नहीं है, आपको बता दिए हैं, पहले बता दिए इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में हम बता चुके हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताया गया था वहां बताए थे आपको कि ये अगर आयन में टूटेगा तो ये 1° कार्बोकैटायन बनेगा और 1° कार्बोकैटायन भयानक रूप से अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। आप इससे बात कीजिए, पूछिए क्या रे तुम 1° कार्बोकैटायन में बदलेगा, क्या तुम दुखी होना चाहेगा, बोलेगा नहीं होना चाहेंगे। आप बोलेंगे क्या रे टूट के 1° कार्बोकैटायन में बदलना, बोलेगा नहीं बदलेंगे, दुखी हो जाएंगे, काय बदलेंगे। और इन द मीन टाइम इसी बीच ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा, मारेगा धक्का और इसको हटाएगा और खुद चिपक जाएगा। तो यही वजह है कि ये SN1 नहीं देता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देता है, कारण नंबर 1, यहां स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होता, क्राउड हिंड्रेंस नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर इजिली अटैक करता है, और कारण नंबर 2 कि यहां पर 1° कार्बोकैटायन जब बनेगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए वो बनना ही नहीं चाहेगा। इन्हीं दो कारणों से SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आप कहेंगे ठीक है SN1 तो ये नहीं दिखाया,
अब थोड़ा ये भी बता दीजिए कि ये जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है ये एसएन2 काहे लिए लिखा है। चलिए हम आपको बताते हैं, टीचर आप मुझे कहेंगे कि देखिए ये ऐसे रिएक्शन दिखाएगा, OH माइनस जो है, ये जो OH माइनस है यहां से पीछे से आएगा, इस पर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ये हटते जाएगा, ये सटा और ये हटा, देखिए SN2 तो हो गया, काहे के देगा ये SN2। चलिए अब इसका आपको जवाब देते हैं, अब इसका भी जवाब आपको दे दें, यहां पर देखिए होता क्या है, OH माइनस को आप बोलिएगा जा रहे OH माइनस इस पर अटैक कर, आप सबको सीधे अगर इससे बात हो पाता है तो आप OH माइनस से बोलिएगा रे निकलियो पाइल OH माइनस जा तो तनी कार्बन के ऊपर अटैक कर दो, थ्री डिग्री कार्बन के ऊपर, बोलेगा यस सर हम जाते हैं अटैक करने के लिए। अब ये OH माइनस जब इधर से आने लगेगा अटैक करने के लिए तो फिर देखिए सिचुएशन क्या है, ये रहा CH3 का साइन, ये रहा CH3 का साइन, ये रहा CH3 का साइन और ये OH माइनस का साइन। आप पूछिएगा अरे OH माइनस पहुंचा थ्री डिग्री कार्बन के पास, तो वो आपको चिल्ला के बोलेगा नहीं पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। आप पूछे काहे नहीं पहुंचा, तो बोलेगा देखते नहीं है बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउड हिंड्रेंस है, घुसने का जगह नहीं है, हम यहां तो फंस गए, घुसिए नहीं पा रहे घुसिए नहीं पा रहे। देखा आपने यहां पर मैक्सिमम क्राउड है तो ये नहीं हो पाए, इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कैसे संजो होगा और इन दिन टाइम क्या होगा, जब तक ये कोशिश करेगा यहां पर आने का इससे पहले ये टूट कर थ्री डिग्री कार्बन के टाइम में बदल जाए। आप पूछेगा कि अरे अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो इस तो भी इसमें टूटना चाहेगा, बोलेगा दब जाएंगे काहे जाएंगे, क्योंकि इस रूप में जाने के बाद वो सुखी संपन्न हो जाएगा, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। याद कीजिए नटल इफेक्ट में हम बता चुके हैं थ्री डिग्री कार्बन के टाइम मैक्सिमम स्टेबल, तो इस तरह ये आनंद फानंद में बहुत तेजी से इसमें ब्रेक कर जाएगा टूट जाएगा थ्री डिग्री कार्बन डाइन बन जाएगा और ये यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब ये बन गया तब तो अब ये आएगा और अटैक करेगा और इस तरह SN1 रिएक्शन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं दिखाएगा, इसके लिए दो कारण आप बताएंगे। कारण नंबर वन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में मैक्सिमम क्राउड हिंड्रेंस होता है, मैक्सिमम स्केलिंग हिंड्रेंस होता है, भीड़ बाधा होता है, बहुत ज्यादा वहां भीड़ होता है, थ्री डिग्री कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच नहीं कर पाता, ये है कारण नंबर वन। कारण नंबर टू, थ्री डिग्री कार्बन डाइन हाई स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बड़ी इजीली ये थ्री डिग्री कार्बन डाइन में कन्वर्ट कर जाता है और इस तरह एसएन वन के द्वारा रिएक्शन संपन्न हो जाता है। तो ये दो कारण बता दीजिए आपको फिर से याद दिला दें, ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का जो एसएन वन मैकेनिज्म है पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में मोर फेवरेबल होता है, ज्यादा आसानी से होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। यहां पर जब नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है तो वो ज्यादा फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म को। आप कहेंगे अगर पोलर होगा तो क्या होगा, पोलर होगा तो देखिए ना दिमाग लगाइए, अगर पोलर रहेगा तो ये थोड़ा सा तो आयनों में टूट ही जाएगा, थोड़ा सा कुछ तो टूटेगा, बड़े पैमाने पर नहीं टूटेगा लेकिन थोड़ा सा तो टूट जाएगा, और जब थोड़ा सा टूट जाएगा तो इसका मतलब है थोड़ा सा SN1 के द्वारा भी दिखा देगा। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि यहां नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो बड़े पैमाने पर SN2 का दर्शन कराएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है। तो अब तक आपको SN1 SN2 का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। लीजिए पहला डिफरेंस हम आपको बता दें, ये होता है पोलर सॉल्वेंट में SN1, लीजिए यहां हमने SN1 लिख दिया, SN1 पोलर सॉल्वेंट में होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लीजिए, यहां पर हम मिटा के लिख देते हैं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। लीजिए पोलर पोलर सॉल्वेंट में होगा और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। दूसरा यहां पर मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी क्या होने वाला है देख के बोलिए, वन, यहां मॉलिक्युलरिटी क्या होने वाला देख के बोलिए, टू, तीसरा अब बोलिए
यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है देख के बोलिए वन, और यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है देख के बोलिए टू। देख लीजिए जो दिख रहा है वही आपको कहना है। फोर्थ नंबर, ये टट अल्काइल हैलाइड के द्वारा मुख्य रूप से दिखाया जाएगा। टट अल्काइल हैलाइड के द्वारा ये मुख्य रूप से किसके द्वारा दिखाया जाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा। ये जो एसएन जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिखाया जाएगा। एसएन वन मुख्य रूप से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिखाया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर डिफरेंस के बारे में जानिए, ये कितने स्टेप में पूरा होता है बोलिए। एसएन वन जो है कितने स्टेप में पूरा होता है? दो स्टेप में। पहले ये आयनों में टूटता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल चिपकता है, तो ये दो स्टेप में पूरा होता है। लीजिए टू स्टेप्स, ये जस्ट टू स्टेप्स में पूरा होता है। और ये एसएन वन कितने स्टेप में पूरा होता है? ओनली वन स्टेप, क्योंकि यहां तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली होता है। उसी पल और उसी क्षण में टूटन और जुटन होता है, टूटने और जुटने वाला बात उसी क्षण में होता है, तो ये वन स्टेप में पूरा होता है। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इतना आप लोग पॉसिबली तैयार कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे जो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है, इतना जरूर पूरा कीजिएगा। आज इतना।